सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हो अपने पास आ चुका है अमेजोन से बॉक्स, और ये जो पार्सल है गाइस अपनी पल्सर 220 के लिए है, और इसमें मैंने ऑर्डर किया है। आप देख सकते हो, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाक से दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या है। और इसके लिए गाइस देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप से बॉक्स है अपना, बिल्कुल सील पैक है। तो इसको हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या है। तो चलिए सीधे इसकी अनबॉक्सिंग, आवाज़ से आप समझ सकते हो इसके अंदर कोई मेटल की चीज़ है, ये देख सकते हो। तो चलिए इसे सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइस देख सकते हो एकदम सील पैक है, तो मैं इसे अब खोलता हूँ आपके सामने। तो इसे कहाँ से खोलते हैं, हम सिजर से इसे कट कर देते हैं यहाँ से। तो देख सकते हो बॉक्स ये पूरा खाली है, इसके अंदर बिल वगैरह है इसका, ये देख सकते हो आप। इसको रखते हैं साइड में, ये अंदर से खाली है, देख सकते हो। इसको भी रखते हैं साइड में, और ये है गाइस अपना मेन बॉक्स जिसके अंदर है अपनी LEDs। तो LEDs दिखा देता हूँ आपको गाइस किस टाइप से हैं, और देख सकते हो पैकिंग काफ़ी अच्छी है गाइस, एक नंबर क्वालिटी से पैक हो के आया है। तो अब इसमें यहाँ पे टेप लगा हुआ है, ये निकाल देते हैं हम। सो गाइस ये देख सकते हो आप बॉक्स है, और ये देख सकते हो आप, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। ये देख सकते हैं इसमें कुछ डिटेल वगैरह है, इसकी प्राइस वगैरह लिखी हुई है। तो वैसे इसे अनबॉक्स करते हैं सीधे। तो चलिए देख सकते हो गाइस इसमें लिखा हुआ है प्लीज एक्टिवेट वारंटी। तो ये वारंटी गाइस इसकी 6 मंथ की वारंटी है इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ एक्टिवेट वारंटी, इसके बॉक्स के खुलते ही देख सकते हो आप। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गाइस यहाँ पे एक वारंटी कार्ड है इसका, ये देख सकते हो। तो इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको साइड में रखते हैं। और ये इसकी एक वारंटी के कुछ स्टेप वगैरह लिखे हुए हैं इसमें, कैसे एक्टिवेट करनी है। तो ये देख सकते हैं अमेज़ॉन की ये लिखा हुआ है, अमेज़ॉन की थ्रू वारंटी इसकी वो होगी। तो इसे भी रखते हैं साइड में। आप देख सकते हो काफ़ी मस्त क्वालिटी में गाइस बॉक्स आया है, पैक अपने कोई डैमेजिंग नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइस प्रो बॉक्स के अंदर निकलते हैं, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल LEDs अपनी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें गाइस एक ये निकला है स्विच, ठीक है। तो स्विच देख सकते हो गाइस आप, और इसके बाद और एक इसका वारंटी कार्ड है गाइस। और इसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो दो पत्तियाँ निकली हुई हैं, और बोल्ट इसी के साथ आया है। तो ये अच्छी बात है कि हमें अलग से बोल्ट नहीं लेना पड़ेगा। एंड एक और ये देख सकते हो आप, दो LED हैं तो दो बोल्ट आए। और ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट, देख सकते हो आप ये बढ़िया है, ये बोल इसकी आवाज़ आ रही है गाइस इसमें से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें और कोई चीज़ की। तो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी इसकी चमक, प्लास्टिक नहीं है ये, देख सकते हो साउंड सुन सकते। ये एलुमिनियम, ये है प्लास्टिक, और ये कुछ LEDs हैं गाइस इसकी। 24 LED का सेट है ये। अब इसका लाइट देखते हैं गाइस कितना है। तो इसे पल्सर 220 में अपनी इंस्टॉल करते हैं, और दिखाता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसको, और इसका लाइट क्या है, ये इसकी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो इसकी मैं वारंटी एक्टिवेट करता हूँ, और इसकी क्वालिटी आप देख ही चुके हो काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी से तो बढ़िया लग रहा है। और इसे हम यूज़ करेंगे, और दिखाता हूँ आपको किस टाइप से ये लगने वाला है मेरी बाइक में और कैसे क्या होगा। तो चलिए सीधा लेके चलता हूँ आपको बाइक के पास, और दिखाता हूँ कैसे हम इसे इंस्टॉल करने वाले। सो गाइस देख सकते हो अपन लोग बाइक के पास आ चुके हैं, और मैं दिखा देता हूँ आपको बाइक में मतलब LED हम लोग कहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। और LED गाइस देख सकते हो मैं लेग गार्ड पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको जहाँ करना है आप कर सकते हो। मेरी पल्सर 220 में यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं दिखा देता हूँ गाइस किस टाइप से हम करने वाले हैं इसमें LED इंस्टॉल। तो LED आप देख सकते हो गाइस ये रखी हुई है यहाँ पे, और ये करने के लिए गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे होल किया हुआ है मैंने 10 नंबर, ये पहले ही कर लिया था मैंने। और इस साइड भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये होल है ये, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया गाइस इसमें, और मैं दिखा देता हूँ आपको गाइस LED इसमें कैसे हमें 10 नंबर नट से लगानी है। और सो गाइस जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ मेरी 220 में लाइट इसलिए लगा रहा हूँ गाइस क्योंकि इसका जो स्टॉक लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप देख सकते हो इसमें मैंने पहले से वो लगाई हुई है CYT, आप देख सकते हो दिख रही होगी इसमें, तो ये लगाई हुई है गाइस। और नीचे ये प्रोजेक्टर में गाइस स्टॉक लाइट है इसका हेलोजन वाला। तो यार मुझे नहीं पता गाइस मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम है लाइट की या और 220 में आती है, क्योंकि मेरी बाइक में गाइस जब हाईवे पर रहता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है।
अगर नॉर्मल चलती बाइक तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अगर सामने से कोई गाड़ी क्रॉस होती है तो इस बाइक में बहुत ज़्यादा इसका लाइट में कमी आ जाती है। यदि अपनी आप देख सकते हो गाइस, ये जो LED हैं जो मैंने अमेजोन से बाय की हैं, अभी नहीं दिखाता हूँ उनका लाइट कैसा क्या है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर गाइस आपको अगर इसे ऑर्डर करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये देख सकते हो ये 24 LED वाली गाइस 24 LED से, और इससे कम वाली आती है एक 12 LED वाली और एक आती 28 वाली। तो प्राइस सबकी अलग अलग है गाइस, इसकी 699 थी इसकी प्राइस। और बॉक्स में इसकी प्राइस आप देख सकते हो कुछ, तो बॉक्स में गाइस इसकी 1999 है, बस इसकी ओरिजिनल प्राइस गाइस 699 मतलब 700 रुपये के लगभग ही मुझे पड़ गई है। ये देख सकते हो इसकी ओरिजिनल, इसकी जो ब्रांडिंग है ये कोई वो नहीं है गाइस, इसकी मेटल पर ही लिखा हुआ है इसमें ऑथराइज। तो ये आप देख सकते हो, तो इनकी क्वालिटी का हिसाब लगाने के बाद ही हम ट्राई करने वाले हैं क्या इनका लाइट कैसा क्या है, आप इसे लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो चलिए सीधा मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ बाइक में। मैंने आपको दिखाई दिया गाइस ये होल जो लेग गार्ड में मैंने कराए हुए हैं, और इसके बाद गाइस ये स्विच जो इसी के साथ आई हुई थी गाइस, ये स्विच जो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर ली क्योंकि ये जो खोलना पड़ा था टाइम लग जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा पर स्विच मैंने पहले ही कस ली इसमें, तो मैं दिखाता हूँ आपको LED कैसे करके कसने वाला हूँ मैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप इसमें जो LED में जो ये पत्ती आई थी, मैंने इसको यहाँ से सीधा कर लिया है, और ये ओरिजिनली पत्ती गाइस इसके जो साथ आई थी वही। तो इसमें ये नट मैंने बोल्ट टाइट कर दिया, 12 नंबर बोल्ट है, और इसको मैं सीधा वहाँ पे कस देता हूँ। कसने के लिए गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये देख सकते हो, और इसको मैं इसमें कस देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसी। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप LEDs मैंने फिट कर दी यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई हैं आप देख सकते हो, और ये वाली भी हो गई है गाइस। सो लुक आप देख सकते हो गाइस कुछ बाइक का इस टाइप से आ रहा है LEDs लगने के बाद। वायरिंग आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से होने वाली है। सो जैसे कि गाइस देख सकते हो आपकी इसमें माइनस प्लस है, तो इसका गाइस जैसे कि जो माइनस पॉइंट है इसको तो मैं यहीं पर कर दूँगा यहाँ पर, और इसका जो प्लस पॉइंट है गाइस उसके लिए मैंने ये स्विच लगा रखी है। और एग्नीशियम कॉइल से गाइस जो अपने यहाँ से दो वायर जाते हैं जो स्विच ऑन करने पे जिसमें पावर आती है, वो वायर मैं एक निकाल लेता हूँ। जैसे कि मेरी ये 1000 लाइट स्विच लगी हुई है, पहले से निकला हुआ है वो, तो इससे मैं कनेक्शन कर दूंगा उसका, दिखाता हूँ आपको कहाँ है वो। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि यहाँ से जो 1000 लाइट का स्विच है ये ऑलरेडी मेरे में एक वायर एक्स्ट्रा मतलब वहीं से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। जो स्विच अपनी एग्नीशियम कॉइल ऑन करने के बाद मतलब जो स्विच ऑन करने के बाद पावर आती है उस वायर से इसे कनेक्ट कर लिया है, तो इसे मैं आपको स्विच से लगा दूंगा इस वायर को। और इसके जो प्लस पॉइंट है उसके स्विच के दूसरे पॉइंट में इनको इंस्टॉल मतलब लगा दूंगा ये इसको और उस वाले को दोनों को, और इनका जो माइनस पॉइंट है गाइस इनको यहीं कर दूंगा और प्लस जो है ऊपर वाली स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। तो गाइस वायरिंग पूरी इजी है, कुछ नहीं करना है, बस वायरिंग हो जाएगी इतने में। तो मैं वायरिंग करता हूँ गाइस, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सीधे LED ऑन करके। सो गाइस देख सकते हो ये जो वायर है मैंने कनेक्ट कर लिया है जो स्विच से कनेक्ट होगा अपना ये वायर, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो कनेक्शन मैंने कर दिया। अब जी रह गया एक वायर गाइस अपनी ये स्विच का, ऊपर वाली स्विच का। तो इसको कनेक्शन करने के लिए गाइस आप देख सकते हो इन दोनों वायर की लेंथ तो बहुत कम है, तो उसके लिए मुझे ये वायर यूज़ करना है जो इसकी लेंथ को यहाँ पर मिलाकर मैं इससे कनेक्ट कर दूँगा। इसके बाद गाइस सिंपल है, पूरी बाइक में कनेक्शन हो चुका है, और मैं सीधे आपको LED ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो कनेक्शन मैंने कर दिया, और इस वायर को मैं कर देता हूँ गाइस अंदर साइड पे यहाँ पे इस क्लिप में फंसा के अंदर कर देता हूँ जिसमें ये दिखे ना। सो देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये अंदर हो जाएगा, स्विच का वायर था तो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है इस वायरिंग वगैरह, और LED सब अपनी सेट हो चुकी है। और मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ LED को, कुछ इस टाइप से देख सकते हो ये जो स्विच है ये अभी देख सकते हो अभी ऑन ऑफ नहीं होगी, ये देख सकते हो ऑन कर दी बट नहीं होगी क्योंकि स्विच से इसका कनेक्शन कर दिया है। तो मैं पहले स्विच को ऑन करता हूँ बाइक की, तो स्विच ऑन हो चुकी गाइस, अब देख सकते हो LED ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आप स्विच से। ये देख सकते हो गाइस दोनों LED ऑन हो चुकी हैं अपनी, ये देख सकते हो काफ़ी ब्राइट दिख रही है गाइस सामने से। तो और रात में इसका टेस्ट करने वाले हैं हम किस टाइप से आने वाला है इसका लाइट का थ्रो, जो अभी तो सेटअप नहीं है बट देखेंगे रात में क्या सेटअप होने वाला है। आप देख सकते हो गाइस काफ़ी तेज लाइट है इसका, ठीक है, और दोनों LED मस्त जल रही हैं इसकी,
इसका सीधा नाइट टेस्ट दिखाता हूँ मैं आपको किस टाइप से इसका लुक आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो यार, सब्सक्राइब ना होने वाला अभी आप टाइम देख सकते हो, मेरे लिए तो अभी 6 घंटे है वैसे और आपके लिए काम, तो सीधे मिलते हैं नाइट में। सो गाइस देख सकते हो जैसे कि अंधेरा हो चुका है, बाइक बिल्कुल एकदम आप देख सकते हो फुल टू अंधेरा है यहाँ पे, और तो देख सकते हो गाइस बाइक का मीटर ऑन हो चुका है। मैं बाइक स्टार्ट करके पहले इसका लाइट दिखा देता हूँ आपको, तो पहले हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं जो LED है उनको ऑन करता हूँ, तो आप लाइट देख सकते हो एकदम अंधेरा है और आप देख सकते हो गाइस काफ़ी ब्राइट है गाइस लाइट एकदम मस्त, सामने से दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस सामने से देख सकते हो लुक कुछ बाइक का इस टाइप से आ रहा है और काफ़ी विजिबल है गाइस रास्ते पे, आप देख सकते हो एकदम ब्राइट दिख रहा है तो लाइट में, तो गाइस कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, देख सकते हो आप LED का लाइट बहुत तेज है। और मैं आपको सामने से पीछे से दिखा, तो गाइस पीछे से भी आप देख सकते हो मैं बाइक पे बैठ के दिखा रहा हूँ आपको लाइट इसका जो किस टाइप से आ रहा है, बहुत मस्त लाइट है गाइस देख सकते हो आप। और ऑफ करता हूँ मैं इसे, तो ये जो लाइट है गाइस इसका, और ये अपना ओरिजिनल है 220 का, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल स्टॉक लाइट है गाइस। अब ये मेरी बाइक में गाइस इतनी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा लाइट कम है इसका, ये देख सकते हो आप इससे ज़्यादा लाइट इस, और ये HR0 डली हुई है, ये उसका लाइट है। तो गाइस इसका लाइट मतलब बहुत ही कम लगता है यार, सामने से आप देख सकते हो बाइक आ रही है और इसका लाइट देख सकते हो कितना कम है। और मैं आपको अब इसकी मेन जो लाइट है उन्हें ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लाइट काफ़ी ब्राइट हो गया गाइस। और इसका जो 220 का ओरिजिनल लाइट है ये ऑफ कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको, एक नंबर लाइट है गाइस, बहुत अच्छा लाइट है LED के हिसाब से, आप देख सकते हो बहुत ब्राइट है गाइस। तो लाइट की क्वालिटी गाइस कुछ इस टाइप से है, देख सकते हो आप लाइट। सो गाइस पैसा बर्बाद नहीं कह सकते हैं, पैसा वसूल LED है, ले सकते हो आप इन्हें, मेरे लिए तो गाइस ये बेस्ट है मेरी बाइक के लिए, क्योंकि मेरी बाइक में पहले से बहुत कम था लाइट और अब के मुकाबले, पहले के मुकाबले गाइस बहुत अच्छा है। और ओरिजिनल CVT अगर मैं नाइट आई भी डाल लेता तो भी शायद नहीं ऐसा कुछ लाइट आ पाता, लाइट की क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत मस्त आ रही है। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और ऐसी न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइस, और मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।